आइए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप कैसे अमेज़ॉन पे डेबिट कार्ड का यूज़ करके ईएमआई पे प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अमेज़ॉन ने बहुत सारे प्रोडक्ट में बहुत सारे ऐसे बैंक्स को ऐड किया है, या फिर बोल सकते हैं बैंक के डेबिट कार्ड को ऐड किया है। और ये जो जितने भी बैंक्स हैं जिनका डेबिट कार्ड यहाँ पर अब ऐड हुआ है, वो सभी बैंक्स आपको डेबिट कार्ड पे ईएमआई की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, एक मोबाइल है OnePlus 5T। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बैंक है HDFC बैंक, जो अभी डेबिट कार्ड पे ईएमआई की फैसिलिटी दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। ये देखिए, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको। ये देखिए, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड है ये। और यहाँ पर देखिए, एक नई फील्ड या फिर नया बैंक ऐड हुआ है, या फिर बोल सकते हैं नई फैसिलिटी ऐड हुई है, HDFC बैंक डेबिट कार्ड। तो फ्रेंड्स, अब आप डेबिट कार्ड का यूज़ करके भी प्रोडक्ट को ईएमआई पे खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ HDFC बैंक ऐड हुआ है। इन फ्यूचर और भी बड़े बैंक जैसे ICICI या फिर SBI हो सकता है ये भी इन फ्यूचर ऐड हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है, ये तो बैंक वालों पे और अमेज़ॉन वालों पे डिपेंड करता है। पर फिलहाल अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो HDFC बैंक डेबिट कार्ड ऐड हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्लान है वो 6 महीना, 9 महीना और 12 महीने के प्लान है। आप इन 3 में से कोई भी एक प्लान सेलेक्ट कीजिए और डेबिट कार्ड की ईएमआई पे प्रोडक्ट को खरीदिए। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये यहाँ पर एक जरूरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए, अगर आप डेबिट कार्ड की ईएमआई पे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आपको बैंक को कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि है, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो है 16% पर एनम, मतलब सालाना 16% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रोडक्ट की कीमत है 32,999 है, और अगर आप इसको डेबिट कार्ड की ईएमआई पे खरीदते हैं तो उस केस में थोड़ी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक को आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो अब प्रोडक्ट की कीमत हो जाती है 34,556 अगर आप 6 महीने का प्लान लेते हैं। अगर आप 9 महीने या 12 महीने का लेते हैं, तो उस केस में आपको थोड़ा और पेमेंट करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप डेबिट कार्ड को अपने अमेज़ॉन अकाउंट पर जाके ऐड कीजिए उस बैंक के, जो भी अभी फ़िलहाल डेबिट कार्ड पे ईएमआई की फैसिलिटी दे रहा है अमेज़ॉन पे। तो देखिए, आप अपने अकाउंट पे जाइए और यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑप्शंस लिखा है, इस पे जाइए। और यहाँ पर फ्रेंड्स, ये देखो ऐड अ न्यू कार्ड लिखा है, इस पे क्लिक कीजिए। और यहाँ नेम ऑन कार्ड, 16 डिजिट का कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट जो भी है उसको यूज़ करके ऐड योर कार्ड कीजिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट को आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप डेबिट कार्ड की ईएमआई पे खरीद सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस बाय नाउ बटन पे क्लिक कीजिए। एक बार जब आप बाय नाउ बटन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो अमेज़ॉन आपसे आपका डिलीवरी एड्रेस पूछेगा। उसके बाद आप ये पेमेंट मेथड वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो कार्ड है मेरा, ये डेबिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड नहीं है। बाकी इसके अलावा जो भी आप ऊपर नीचे कार्ड देख रहे हैं, ये क्रेडिट कार्ड है, जिस मैं दिखाना चाहूँगा ये क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पर देखिए, अलग ईएमआई के ऑप्शंस हैं या उसका अलग इंटरेस्ट है, पर ये वाला जो कार्ड है ये डेबिट कार्ड है। तो यहाँ पर देखिए, आपको उसका कार्ड सिक्योरिटी कोड या फिर CVV कोड जिसको बोलते हैं, उसको टाइप करना है। ये आपके कार्ड के पीछे प्रिंट रहता है, तो मैं यहाँ पर 123 कुछ टाइप कर देता हूँ अभी फ़िलहाल इस वीडियो में टेम्परली। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पर अब जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको डेबिट कार्ड पर ईएमआई के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये 6 महीने का ईएमआई सेलेक्ट कर लेता हूँ 16% पर एनम के हिसाब से। एक बार जब आपने डेबिट कार्ड की ईएमआई का अपना प्लान सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये जो कंटिन्यू बटन है फ्रेंड्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब अपन फाइनल चेकआउट वाले पेज पे आ गए हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ईएमआई इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट जो लिखा है, योर कार्ड लिमिट विल बी टेम्पररली यूटिलाइज फॉर 32,999। तो यहाँ पर लिखा है टेम्पररली आपकी कार्ड की जो लिमिट है वो 32,999 की टेम्पररली यूज़ होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है योर बैंक विल टेक 3 to 4 days टू कन्वर्ट दिस इंटू एन EMI। एज यू पे योर EMI, योर कार्ड लिमिट विल बी रिलीज्ड। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक और तीसरा पॉइंट है, यू विल बी चार्ज 5,759 rupees 32 paise एवरी मंथ फॉर 6 months। इसका मतलब है आपको 5,759.32 पर मंथ बैंक को पे करना है आने वाले 6 महीने तक के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सब
ठीक है, आप ये सब जो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दिखा रही है सब कुछ मतलब आप मान रहे हैं, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर देखिए प्लेस योर ऑर्डर एंड पे पे आप क्लिक कीजिए। अब फ्रेंड्स आप अपने बैंक के पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पहले डालना पड़ेगा और सबमिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपका बैंक अकाउंट से जो भी लिंक्ड मोबाइल है या रजिस्टर्ड मोबाइल है उसको आप यहाँ पर डालिए, सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा जिसको आपको यहाँ पर डालना है और आपको ये बताना है कि आप ही इस ऑर्डर को ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब आप ही इस ऑर्डर को कर रहे हैं, ना कि कोई और दूसरा बंदा कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब एक बार सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि मतलब हाँ आप ही हैं, तो उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर रिव्यू एंड सबमिट जो ये जो फील्ड है इस पर आप फाइनल अपने ऑर्डर की जो अमाउंट है उसको देख पाएंगे। और जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे या फिर पेमेंट को ऑथराइज करेंगे, ये पेमेंट आपका अमेज़ॉन के पास चले जाएगा आपकी बैंक की तरफ से। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।